बस बस ऊपर चढ़े या बखरी में। हाँ 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 एंगा राजा खुशी राम माइकले भैया क्या नाम है कहाँ से हो? अच्छा अच्छे से बैठ भैया कहे जो माइक नहीं है तो रो चालू एन मौका पे तें बंद कर दे। हाँ ढंग से बैठ जा भैया। जय श्री राम। हैं हेलो। हाँ कहा होगो कैसे यार जी लग गए हम तो सोचने रहे थे सपने में हम तो यही तो बालाजी की कृपा है जो सोचत नहीं हो ही तो होता है। बोली बालाजी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पूछिए जल्दी से। माता राम को स्वास्थ्य गड़बड़ है हम भोपाल में दे रही डरू 10-11 महीने से बहुत परेशान है। यही से अर्जी लग गई तुम्हारी ऑपरेशन नली डरी बहुत परेशान है घर से भी परेशान है वो रोते माता राम। डॉक्टर क्या बोले माता जी को? माता जी को कैंसर बताओ। पढ़े लिखे हो आप? हाँ पढ़े तो हैं उतने बस रो ना गंभीर रहो तुम्हारी देखो हजारन आदमी में 30,000 से ज़्यादा हुई है समुदाय तुम्हारी महाराम बुलाओ पहले नंबर पे आओ नज़दीक इधर पढ़ो। आप परेशान हैं माता जी लगातार बीमार हैं 4 साल पहले से बीमार हैं। अजय आपका नाम है उन्हें कैंसर इन्फेक्शन हो गया देवी पूजा करें डॉक्टर ने तीसरे स्टेज का कैंसर बताया है आराम लग जाए है आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की। क्या यही लिखा? यही दिक्कत है जाओ आराम लगे चिंता ना करो आशीर्वाद करने का है अब जो बता हम कर रहे हैं। हम दवाई दे देवी तुम्हें धाम से अबे भभूति दे रहे कैंसर की दवाई दे देवी उन्हें आहार नली और श्वास नली दोनों लगी हुई है ठीक है दोनों नली से उनको जो है भोजन भी नहीं जा पा रहा नहीं जा रहा पूरे शरीर में सुन्नपन भी आ रहा पेट और सीना में फैल गया है पेट में इनके आतन से छालन से इन्फेक्शन शुरू भाव ई के बाद फिर कैंसर में छाले पहले बताए थे ऐसा ही आए क्या तुम्हारी पूरी जाँच है माता जी की और आराम लग जाए आशीर्वाद। बोली बागे सरदान सरकार की हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। पहले से को बताओ तो ना तुम को नहीं बताओ भाई तो आए हैं आधा घंटा नहीं भाऊआ हैं आधा घंटा नहीं भाऊआ अब भाई आए जे आदमी के लगे कछु जने मोदरवास काल से बैठे और बताओ तो ते तो बन गए बहादुर। बहादुर होते हुआ होते भी कछु ने नंबर के चांस आते ये मंत्र लिख दो ही की तीन माला करो जाओ बब्बा जी तुम्हारी लाज राखे का था हम तो बन गए खूब आशीर्वाद पूरे परिवार का। चलो बोली सच्चे दरबार की। कहाँ से आए? कांटी से। कहाँ पड़ा जा बेटा? हटा के 12 किलोमीटर दूर। अच्छा ये तो ही कहूँ एंगल एंगल आ जा बखरी में। हाँ बखरी में है यार बागेश्वर धाम की जो भी आपको जानकारी चाहिए कथा पंडाल के बाहर कैंटीन के सामने बागेश्वर धाम का कार्यालय है वहाँ आप संपर्क करें और यूट्यूब पे आपको भी जानकारी उपलब्ध होगी उसको आप जुड़े रहें सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। पहली बार आओ बेटा? हाँ। दरबार? हाँ। वाह वाह बेटा ते हमारो नाम रोशन कर है बोल कार जी हमारे बड़े पापा को एक्सीडेंट बहुत सुबह पता नहीं है कैसे खत्म भाए थे। अच्छा और कोई बात? हमारे मम्मी पापा हम बहुत खुश राख वो चाहत मम्मी पापा हम बहुत खुश राख वो चाहत हैं लेकिन वो तो हो नहीं पाते कहे तें कौन काम आए तने कहूँ खुद से विचार करो कि तें का है तने खुद से विचार करो कि तें साजो है आगे के लगे तें तो तमाशो देख हुई है आओ तुम पढ़ो इधर आओ। धन की तंगी बार बार मन में सोच रहे हैं कि घर में सभी प्रसन्न रहें कृपा रहेगी उसके लिए बुद्धि ठीक रहो विचार स्थिर नहीं रखते केवल तमाशा देखने दरबार में आए थे लेकिन अब बुद्धि ठिकाने लग गई शरणागति लो तुम देखे हुए आए थे लगत का होत कैसे होत हमाओ हो जाए तो हम जानिए समझ गो कान पकड़ के माफी मांग सबको होत आगे के लगे थे
बोली सच्चे दरबार की। तोरे जैसे मूड धर के होते पर पाओ मोरे लो ना माफी जॉन बब्बा की लाने कही थी उनखा पकार। माता पिता प्रसन्न रहेंगे, बड़े पापा तुम्हारे जो है किसी भी तंत्र से खत्म नहीं हुए, न इस चिंता में रहें न विचार करें, सबको दर्शन करवा दें, धन की तंगी दूर होगी, विचार स्थिर होंगे, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। गुरु जी हमारी दुकान भी नहीं चलती। कहे की है कटिंग सैलून वाली। सैलून कहा जा कटिंग बाल कटिंग वाली है बाल कटिंग को मतलब तो भी चाहे कहा आशीर्वाद के दाढ़ी वार खूब बढ़े आदमन के। बोली बागे सरदार सरकार की जय हो। आशीर्वाद नीचे लिखो है लाइन में। अब तो नहीं तमाशो देव का सामू कैमरा के सामू का अब तो नहीं तमाशो माइक से बोल जौन कही सही कही सही हैं ऐसे ही आए थे तुम हम दर्शन करके। हाँ तमाशो देख वे आओ तो दर्शन ना का तमाशो अलग हो दर्शन दर्शन जो हो तो आ गुरु जी आ गए जय हो जे कहा दर्शन चलो देखे आइए का हो जो कहा तमाशो हाँ या ना खुशी रहा। बोलिए सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की हनुमान जी महाराज की।